साहगंज कोतवाली पुलिस और संभ्रांत नागरिकों ने मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति नारों से गुज उठा कस्बा। आपको बताते चले कि साहगंज कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन चल रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को पुलिस और संभ्रांत नागरिकों ने मिलकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल पुलिस के जवान व अन्य लोगों ने देशभक्ति भरे नारे लगाए और भारत माता की जयकारों से फिजा गुज उठी। कोतवाली परिसर से पुलिस के सैकड़ों जवान, कस्बे के भाजपा नेताओं व संभ्रांत नागरिकों के जत्था जुलूस की शक्ल में नगर भ्रमण को निकल पड़ा। सबके हाथ में तिरंगा झंडा और ओठों पर आज़ादी के परवानों का नारा वंदे मातरम था। यह यात्रा कोतवाली परिसर से निकलकर मुख्य मार्ग जेसी चौक, आजमगढ़ रोड, विवेकानंद तिराहा, पुरानी बाजार और खास मंडी चौक से होते हुए वापस कोतवाली आकर संपन्न हुआ। जुलूस की अगुवाई क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने की। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्य, भाजपा के मलनी प्रभारी सतीश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरि टप्पू, भाजपा नेता अनिल मदनवाल, किसान राम जायसवाल, रुपेश जायसवाल, भुवनेश्वर मदनवाल, विशाल जायसवाल, JCI सहगत संस्कार अध्यक्ष, समाज सेवी गुलाम साबिर, अतुल गुप्ता, सभासद प्रतिनिधि नीतीश साहू, अक्षत अग्रहरि आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। लोग अपनी 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मना रहे हैं और ये उत्सव के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में असली परिणति शाहगंज में हम लोगों को देखने को मिल गई। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया है और आगे भी इस तरह की गतिविधियाँ होती रहेंगी। इससे आप सबका भी सहयोग और आपका सानिध्य भी मिलता है हमें और विभिन्न तरह की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं और भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। देखिए, हम सब लोग, देश के लोग, राष्ट्र के लोग अमृत महोत्सव के रूप में 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और ये पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक इस उत्साह को अपना उत्साह अपना त्यौहार मान के हर घर में झंडा लगा, हर परिवार के लोग हर गाड़ी में झंडा लगा, हर परिवार के हाथ में झंडा दिखा। ये महोत्सव के रूप में जो हम पूरे भारत के लोग मना रहे हैं ये पूर्ण रूप से आज ये सफल है और इस खुशी में पूरा देश जो है लहरा रहा है और पूरे देश के लोग राष्ट्र के नाम जो संदेश दे दिए हैं हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव को मना के, ये अपने आप में अभूतपूर्व रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उल्लास से हम लोगों ने मनाया है। इसके प्रशासन के लोग, सरकार की जितनी संस्थाएं हैं, सब लोग इसे ऐसे कार्यक्रम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 13 अगस्त से तिरंगा यात्रा चालू हुई थी और आज 16 तारीख को शाम 5:30 बजे कोतवाली परिसर में पुलिस विभाग और साहगंज के सम्मानित लोगों ने पूरे नगर में घूमकर मार्च निकाला और यह संदेश देने का कार्य किया गया कि जो तिरंगा है वह हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है। चाहे पुलिस हो चाहे आम जनता हो, इस तिरंगे में सबकी नागरिकता समान है।